जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पेपर हुआ है सीईटी का, और उस पेपर को देख करके प्यारे विद्यार्थियों ऐसा अनुभव कर रहा हूं, मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि सभी के विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं दिल में एक गहरी चोट जरूर लगी है। क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पेपर हुआ है उस सीईटी पेपर को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ है कि भाई साहब, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ छलावा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा छल करने वाले कौन हैं? हमारे जैसे कोचिंग वाले हैं। हम तो एक छोटे यूट्यूबर हैं, जहाँ पर हम तो कोई कॉस्ट भी नहीं लेते हैं और ना ही हम कोई पैसा लेते हैं। हम तो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, और आप सभी का प्रेम मिला तो कभी हम ऐसा रखेंगे ही नहीं कि भाई साहब हम कोई चार्ज करें। अगर चार्ज भी करेंगे ना तो भी एक नाम मात्र का चार्ज करेंगे। कैसे कोचिंग वालों ने विद्यार्थियों को लूटा है, इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ। अभी 3 या 4 दिन से खतरनाक वाली लाइव क्लासेस चल रही थी, 12-12 घंटे की लाइव क्लासेस चल रही हैं। अब मुझे ये बताओ, राजस्थान ज्योग्राफी के मात्र और मात्र 16 या 17 प्रश्न आए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो विद्यार्थी जिसने राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ा है वो एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा। अर्थ व्यवस्था को छोड़ दें तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। भारत ज्योग्राफी को आप कितना भी पढ़ लो, मैं कह रहा हूं 110% आपके वहां से प्रश्न गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। भारत ज्योग्राफी के प्रश्न थे आपके 15 से 16, उनमें से भी आप जो है वो लगभग लगभग आंसर अपन कर ही लेते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है एक दो बार। आर्ट कल्चर, हिस्ट्री, इनकी चर्चा की जाए तो बहुत सरल प्रश्न थे इसमें, या तो पूछे ही नहीं गए या पूछे तो बहुत सरल पूछे गए हैं। अब बात आती है करंट जीके की, तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा बेस जो पूछे जाते हैं, मेरिट जो आपकी रहते हैं आप पीछे या हम जैसे ही आप जैसे, करंट अफेयर की वजह से रहते हैं। क्योंकि करंट को कितना भी पढ़ लो कभी करंट अफेयर पूरा नहीं हो पाता है। जो पेपर हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, उस पेपर को देखने के बाद ऐसा लगता है अगर इस पेपर में माइनस मार्किंग होती तो मैं कह रहा हूं 40 तो छोड़ो 20% नंबर भी आपके नहीं आते। यहां पर वे विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी करी है, जो पटवार, आरएस, एसआई और रीट, जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर ये सीईटी का पेपर दिया, उनके काफी अच्छा स्कोर रहने वाला है। जो विद्यार्थी सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहा है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गया ही नहीं, हमारे मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में बहुत कम एजुकेशन है, और मेवाड़ में आज चित्तौड़ की हम बात करें तो 22,000 विद्यार्थी आज फर्स्ट और सेकंड लिस्ट शिफ्ट में बैठे हैं। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, इनमें से कम 8,000 विद्यार्थी भी अगर गारंटी के साथ पास हो जाए ना 40% से, मैं लिख के दे देता हूं, इतने भी नहीं होंगे। क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, और पढ़ाई होती ना तो भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मेवाड़ में एजुकेशन बहुत गिरी हुई है। क्योंकि यहाँ तैयारी हम तब करते हैं जब फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम तैयारी करते हैं, भाई साहब ऐसे ही हालत होगी हमारी। हमारा जो क्षेत्र है बस्सी चित्तौड़गढ़, इसमें लगभग 5,000 से भी अधिक जो टीचर आपके लाइन में हो चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट कर्मचारी बाहर के हैं, हमारे यहाँ के बहुत कम नौकरी लगते हैं। तो ये पेपर ऐसा था प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा दिमाग खराब करने वाला पेपर था। आप सीईटी के अंदर इतना खतरनाक पेपर बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या आप विद्यार्थियों के साथ में छलावा कर रहे हो? क्या विद्यार्थियों को आप ये लगाना चाहते हो कि आप जो है अब नौकरी वोकरी छोड़ दो, आप अपने घर खेती के काम करो, आप अपने कोई अन्य धंधा देखो, हम इतनी नौकरी नहीं दे सकते हैं। पहले से 25 लाख विद्यार्थी है प्यारे विद्यार्थियों, इधर 12वीं में और ग्रेजुएशन में जोड़ लिया जाए ना, 25 लाख विद्यार्थी राजस्थान में बेरोजगार बैठे हुए हैं। इतने विद्यार्थी बेरोजगार हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, सरकारें क्या करेगी? सभी को नौकरी दे देगी? नहीं दे सकती हैं। उन्हीं विद्यार्थियों को नौकरी दे सकती है जिन विद्यार्थियों की काफी अच्छी तैयारी है, काफी लंबे समय से जो तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थियों को प्यारे विद्यार्थियों इस समय नौकरी मिलेगी, और वो पात्रता भी क्लियर करेगा क्योंकि उसने काफी लंबा संघर्ष किया है। जो अभी 12th पास करके आया है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, कॉलेज में मजे ले रहे थे, लड़कियां पटाना में मस्त हैं, और वो कहते हम सीईटी का पेपर देंगे और पास हो जाएंगे, 40% आ जाएंगे, इनके कतई नहीं आएंगे। वह विद्यार्थी जिसने मेहनत करी है उसी को 40% अंक प्राप्त होंगे, अन्यथा जो भी विद्यार्थी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके तुक्के सही होते हैं तो ये मान सकते हैं कि हाँ आपके 40% बन सकते हैं, बाकी आप सपना भी मत देखना कि आपके हो सकते हैं। तैयारी करो आप, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। जो विद्यार्थी तैयारी करता है ना, उस विद्यार्थी के आराम से 40% अंक बन सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करता है ना, उस विद्यार्थी के 40 तो छोड़िए 30% 20% अंक भी लाना मुश्किल हो जाता है।
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आज का पेपर औसतन पेपर था, अगर आपको नहीं आया तो किसी को भी नहीं आया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ वो थोड़ा सा और टफ था, तो अब इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम चलेगा कि पहले वाले में जिसके अंक ज़्यादा होंगे, और इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन से 2-5 अंक जो है वो सभी विद्यार्थियों को बढ़ जाएंगे और पिछले वाले में फर्स्ट वाले पेपर में घट जाएंगे। ऐसे नॉर्मलाइजेशन में 2-5 नंबर का हेयर पेयर चलता रहता है, थोड़ा टफ और थोड़ा आसान, क्योंकि फर्स्ट वाली शिफ्ट में थोड़ा सही था तो अच्छे अंक आ जाएंगे और इधर थोड़ा टफ था, तो ये क्या नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को बराबर कर देंगे। अब कल का ये देखना है, कल का कैसा रहने वाला है पेपर है। जो भी कल पेपर देने जा रहे हैं उन सबसे मेरा यही कहना है, निराश नहीं होना है, पढ़ने वालों का हमेशा जो है वो सिलेक्शन होता है, और नहीं पढ़ने वालों के लिए एक ही चीज़ है कि आप पढ़ते रहें, आपका भी 100% सिलेक्शन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पुणे कल जो पेपर देने जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उन सभी का मैं सांवलिया शेर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपके 40% अंक हैं तुक्के सही करें। मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।